Hello parents and children, now we are back with today's Hindi class. आज का हिंदी विषय के साथ आपकी रुथ मिस. बच्चों, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? कितनों ने नहीं किया है? बहुत बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है. अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे हिंदी पढ़ेंगे? प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं? यस, जब आप रनिंग रेस में जाना है तो पहले प्रैक्टिस करते बाद में रेस में जाते हो, तभी फर्स्ट नहीं तो लास्ट आते हो. स्टडीज में भी वैसा रहता है बच्चों, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है रीडिंग राइटिंग, तभी आप एग्जाम में विदाउट एनी मिस्टेक लिख सकते हैं, नहीं तो कॉपी करके लिखना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है. ठीक है, तो डेली जो भी टीचर्स भेज रहे देखो, आप सब लोग कंपलसरी आपका वर्क कंप्लीट करे. ठीक है बच्चों, तो आज पिछले क्लास में हमने तीन वर्ण वाले शब्दों को पढ़ा था और उसमें से 10 शब्दों को लिखे हुआ है. आज हम और 10 शब्दों को लिखेंगे और रीडिंग करेंगे. उससे पहले भारा कड़ी चोटी ज अक्षर का लिखेंगे. देखो बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, एक अक्षर की 12 कड़ी दे रही हूँ और आपको तीन बार लिखने बोलती हूँ, तो क्या आप उतने भी नहीं लिख सकते? इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है. अगर नहीं लिखेंगे तो बाद में लिखते टाइम आपके हाथ दुख जाएगा, इसीलिए देखो बच्चों आप करेक्ट लिखो. तीन टाइम है, थ्री टाइम लिखो, और द वर्ड्स विच आई एम गिविंग थ्री लेटर वर्ड्स दैट ऑल्सो यू राइट थ्री टाइम. ओके, यू कैन सेंड योर होमवर्क टिल मॉर्निंग ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. मगर देखो आप सभी सब्जेक्ट का होमवर्क राइटिंग कंपल्सरी कंप्लीट करें. तो बच्चों आप सब लोग आपकी थ्री लाइन की नोटबुक निकालो. निकाल दिए, ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, ज अक्षर की 12 कड़ी लिखेंगे. देखो बच्चों, 12 कड़ी ज अक्षर का, और डेट है, तारीख है 11, और महीना है 8, 8 यानी अगस्त. ठीक है, वैसा हेडिंग लिख के ज अक्षर, ज के बाद आता है जा, जी. बोलिए बच्चों, बोलते लिखिए ज जा जी, ये है बड़ा जी, जू, ज जा जी जी जू जू, जे एक लाइन छोड़ के जे जई जो जाओ जम जहा. ठीक है, ये हो गया एक टाइम. तो फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, इधर नंबर टू लिखेंगे और फिर से ज जा जी जी. देखिए कितना इजी है राइटिंग, फिर भी आप सब लोग क्या एक ही टाइम लिख रहे हो, जू जू, जे जई जो जाऊ जम जहा. हो गया, देखो पढ़ते पढ़ते दो टाइम हो गया, एक लाइन छोड़ के और एक टाइम लिखेंगे तो तीन बार हो गया. कितना, 10 घंटा लगा? नहीं, 5 मिनट के अंदर लिख सकते हो अगर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो ज अक्षर की 12 कड़ी तीन बार, बाद में आप पेज पलटो. लिखने के बाद पेज पलट के हम क्या करेंगे, तीन वर्ण वाले शब्द को लिखेंगे. देखिए अमात्रिक शब्द 5, उसमें हमने क्या किया है, 10 शब्दों को खत्म किया है. आज हम उसके आगे के 10 शब्दों को लिखेंगे, तीन वर्ण वाले शब्द. ठीक है, अभी पहला वाला, फर्स्ट वन मगर,
आपने वीडियो देखा, आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए, मगर मगर बोलते लिखिए, मगर, लहर लहर, नहर, ये राइमिंग हो गया, राइमिंग वर्ड लहर नहर, ये राइमिंग वर्ड है, ठीक है। मगर लहर नहर, तीन शब्द हो गए दो मिनट में। और एक टहल टहल, टहल के बाद गगन, ग ग न। क्या करना है, वीडियो देखते ही आप आपकी टेक्स्ट बुक में मार्क करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कहीं दे रही हूँ, बाहर का नहीं, तो वीडियो क्यों देखना है, रीडिंग सुनना है, बाद में टेक्स्ट बुक में मार्क करके देखते हुए लिखना है, प्रैक्टिस करना है। चरण चर न, चरण, न य न, नयन, व च न, वचन, ग र म, गरम, न ग र, नगर। देखो कितना आसान है, ठीक है, रीडिंग करेंगे। मगर लहर नहर, टहल गगन, चरण नयन, वचन गरम, नगर। तो आपको इसको रीड करते हुए, रीड करते हुए और बाद में राइटिंग, रीड एंड राइट, कितने बार, तीन बार, ठीक है। देखिए एक टाइम हो गया, लाइन डालिए, फिर से एक टाइम वही लिखोगे तभी बोलना है, मगर, और 10 शब्द होने के बाद और एक लाइन डालिए और एक टाइम लिखिए, एक पेज में 3 बार हो गया, रीडिंग भी हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। सी दैट यू विल नॉट फॉरगेट राइटिंग इट 3 टाइम। सो मुझे क्या चाहिए, ज ज अक्षर की 12 कड़ी 3 टाइम और ये 10 वर्ड्स 3 टाइम, ठीक है बच्चों। सब लोग करेंगे ना, जरूर, हाँ मैं वेट करती हूँ, जो रेगुलर भेजते वो बच्चे तो कर रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं कर रहे मैं उनको बोल रही हूँ, ओके। मुझे आज जो भी जितने बच्चों ने नहीं भेजा अब तक, आज आज का तो कंपलसरी भेजना ही है, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय।